हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो हमने तो चटनी दो तरह की बनाना बता दिया, पुदीना की चटनी, दही की चटनी, और आज मैं बताऊँगी आपको हरे धनिया की चटनी कैसे बनती है। तो उसके लिए हमने लहसुन लिया है, लहसुन को हमने छीला नहीं है, और साथ में हमने लिया है कोथमीर, इसको हमने धो के छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और ये है हरी मिर्ची और नमक। बस चार चीज़ों से बनेगा और ये बहुत ही अच्छी तीखी और चटपटी बनेगी। तो फिर मैं इसको मिक्सर में रख के पीस लूँगी, पहले लहसुन, फिर बाद में मिर्ची रखना है। मिर्ची के आप दो टुकड़े भी कर सकते हैं, मिर्ची के आप दो टुकड़े करके डालें तो भी ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी वो तो मिक्सर में अच्छे से पिस जाएगा। मिर्ची हमने काट के डाल दिया है, और अब मैं डालूँगी इसमें कोथमीर। मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी, बहुत बारीक नहीं पीसना, मसाले के जैसा थोड़ी दरदरी ही रखना है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूँगी जिससे कि अच्छे से ये पिसा जाए। ये देखिए हमने इसको पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं पीसना था, हमने पीसा भी, थोड़ा पानी डाल के इसको पीसा है। हरा धनिया की चटनी बहुत ही फेमस है, बहुत ही मशहूर है। आप इसको समोसे के साथ और पूरी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खाएं, आप खाने में भी इसको यूज़ करें, दस्तरखान पे रखें, ये बहुत ही अच्छी होती है धनिया की चटनी। इसी तरह से बनाइए, खाइए, और हमारी ये रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें।